को, लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास, कुछ कर भी नहीं सकता। चलो जान दो, स्क्रीन दिख रहा ये कैसे आ गया फिर? क्या बोल रहा है? लाइट नहीं था ना तो लैपटॉप कैसे? तो लैपटॉप में बैटरी होता है ना सर, अब बैटरी को उधर चलता है ना सर, और फोन में वाईफाई लगा सकते हैं ना सर, हॉटस्पॉट। सॉरी सर यस सर सेकंड क्वेश्चन। जब तक है जान लैपटॉप में तब तो तक क्लास लगा लेंगे। सो एक चीज तो हो गया। दूसरा, मोल्स ऑफ CaCO3 विल रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? सो डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जहां ज्यादा गैसेस मोल्स हैं। एक ही तरफ गैसेस मोल्स मिल रहा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट घटना चाहिए, बट यहाँ रिमेन्स कॉन्स्टेंट बोला, मतलब गलत स्टेटमेंट है, तो दिस विल बी द आंसर, रॉन्ग पूछा है इसमें। थर्ड ऑप्शन, इफ वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज हाफ देन मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल इंक्रीज, वॉल्यूम को घटा देंगे। और फिर से आते उसी सिस्टम पे, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। मान लो एकदम से वॉल्यूम घटा दिया, अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो फिर हम लोगों को पूरे सिस्टम को उस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे कम मोल्स हो, क्योंकि कम वॉल्यूम में कम मोल्स एकोमोडेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर वैसे भी एडजस्ट होने वाला है एक टाइम के बाद, तो कम वॉल्यूम में कम मोल्स चाहिए, सो रिएक्शन उधर जाएगा जहाँ पे गैसेस मोल्स कम मिल रहे हो। मतलब इस गिवन क्वेश्चन में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ जाना चाहिए, सो कैल्शियम कार्बोनेट विल इंक्रीज, मतलब ये सही स्टेटमेंट आंसर नहीं होगा। मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल इंक्रीज, या सॉरी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। और जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो हम सजेशन देंगे प्रेशर को वॉल्यूम से रिलेट करना। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम कम होना चाहिए, अगर वॉल्यूम कम होगा तो गैसेस मोल जिधर कम मिलेंगे उधर रिएक्शन मूव करना चाहिए, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट खत्म होगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट घट जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। सो ली कैटेलियस का प्रेशर का वेरिएशन, वॉल्यूम का वेरिएशन, इनर्ट गैस आपको समझ में आ गया। और एक बार डिस्कशन में एक और चीज कर लेते हैं, किसी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब दो चीजें हो सकती हैं, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेते हैं। सो केपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये ध्यान रखने केवल रेफरेंस के लिए, कोफिशियंट वगैरह कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। फिर पी टोटल अपॉन एन टोटल पर पावर डेल्टा एन। मान के चल रहे कि डेल्टा एन नॉन जीरो है, अगर जीरो होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मान के चल रहे डेल्टा एन नॉन जीरो है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले पार्ट में टी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम लोग इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे प्रेशर वाला पार्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। इसका मतलब पी अपॉन एन या पी टोटल अपॉन एन टोटल, दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर ये कॉन्स्टेंट है सो आते हैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे तो फर्क पड़ा नहीं है अभी, अभी तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे हैं, और पी टोटल अपॉन एन टोटल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम लोग इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो इस केपी के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये केपी वाला पार्ट क्यू में कन्वर्ट होगा ही नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यू में कन्वर्ट होने का मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, ऐसा आराम से हम लोग बोल सकते हैं। सो पी टोटल अपॉन एन टोटल क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब केपी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। अगर केपी डिस्टर्ब नहीं हुआ मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, या फिर क्यू का सिचुएशन नहीं आया है। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ तो कहीं जाने की क्या जरूरत है? सो इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसमें रिएक्शन उधर जाएगा जहां ज्यादा वॉल्यूम या ज्यादा गैसियस मोल्स मिल जाते हो। ये दो चीजें थोड़ा ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है, सब बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। N2 and 3H2 gas 2NH3 स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम 50% ऑफ ईच हैज रिएक्टेड। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 50% ऑफ ईच हैज रिएक्टेड। चलो बहुत बढ़िया। इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज पी देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम वुड बी। ठीक
ठीक है, सो एक मोल है, तीन मोल है, 50% खत्म हो गया। 50% खत्म होने का मतलब 0.5 बचेगा और 1.5 बचेगा। पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम विल बी, केवल पार्शियल प्रेशर पूछा है, कैसा घटिया सवाल है। चलो खैर, तो जिस टाइम पे N2 का आधा मोल खत्म होगा, NH2 का एक मोल का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली एक मोल दो मोल बना रहा है तो 0.5 मोल एक मोल का फॉर्मेशन करेगा। सो हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी टोटल किया जा सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 1.5 बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने हो जाएंगे, एक प्लस यहाँ पे दो, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स तीन के बराबर है इंटू पी टोटल। यहाँ से ओवरऑल वैल्यू हम लोग का बाई टू निकल के आ जाने वाला है। सो हम लोग का पार्शियल प्रेशर इज पी बाई टू, ऑप्शन वन। ये भी दिखाने को इक्विलिब्रियम का सवाल है, बट इक्विलिब्रियम का है नहीं, इसको तो गैस स्टेट का सवाल बोल सकते हैं। मोल कांसेप्ट प्लस गैस स्टेट का सवाल बोलना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर द रिएक्शन CaCO3 सॉलिड, CaCO3 सॉलिड CO2 गैस, Kp इज इक्वल टू 1.6 atm, चलो बहुत बढ़िया, एट 800 डिग्री सेल्सियस। इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वेयर केप्ट इन अ 10 लीटर वेसल एट 800 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन्ड एट इक्विलिब्रियम। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लाइक ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कभी हम क्वेश्चन देखे थे जो हमको याद है, तो मेरे मेमोरी में हमको लगता है 7-8 साल पहले कभी हम क्वेश्चन देखे थे, कोई बच्चा डाउट पूछा था। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि सॉलिड पूरा ही खत्म हो जाए, ये भी एक केस हो सकता है। मतलब सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 होता है, तो सॉलिड पूरा ही खत्म हो जाए और केवल गैस बन जाए, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मोल कंसेप्ट का रिएक्शन होगा। दूसरा केस, सॉलिड इतने सफिशिएंट अमाउंट में है कि इक्विलिब्रियम पे भी थोड़ा बहुत बचा रह जाए, ये भी हम लोग केस कंसिडर कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह का केस लेके चल सकते हैं। केपी का वैल्यू है 1.6 atm, और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन लिखे केपी का, तो सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 होता है, किसी काम का नहीं है। मतलब केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, और एक ही कंपोनेंट है, तो पार्शियल प्रेशर बोलो या टोटल प्रेशर बोलो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.16 atm। तो केपी और प्रेशर ऑफ CO2 सेम आ गया। प्रेशर पता है, वॉल्यूम क्वेश्चन में 10 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस दे रखा, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, 1.16 इंटू 10 अपॉन आरटी। आर का वैल्यू 1/12 ले सकते हैं, मतलब ऊपर 12 आ जाएगा, और 800 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया भाई, 8, 10, 1073, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन होता दिख रहा है, 1073 7 1 8 3 11, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या अप्रोक्सीमेट आंसर निकाले भाई इसमें, 116 को जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1160 आना चाहिए, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग 10 टाइम्स बोल रहे सॉरी, इसको अगर हम लोग 1000 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए, और 1160 में से कितना माइनस करेगी, 73 आएगा। बताओ भाई 1160 में से कितना माइनस करेंगे, 1073 आएगा, 80 से तो कम ही हो जा रहा है ना, 87 टाइप्स आ रहा है क्या, कुछ ऐसा कैलकुलेशन दिख तो नहीं रहा यार, क्या कैलकुलेशन किया जाए। 1160 1073, चलो कुछ और सोच करके देखते हैं। कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से आसान होना चाहिए, बट स्टिल मेरे अभी दिमाग में चमक नहीं रहा है, तो कुछ और ट्राई करके देखते हैं। तो कैलकुलेशन है, पहले तो डेसिमल हटा लेते हैं, एक तो 10 ऐसे ही खत्म हो गया, 11.6 आया, 11.6 में से भी डेसिमल हटा लेते हैं, 116 बाई 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1073। सो अपने कैलकुलेशन में 1073 12 नमा टोटल से, ठीक है 1073 को 1080 कर लेते हैं, तो 12 × 8 96 होता है 9, इसको हम लोग 90 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक तो 90 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 6 और 2 8 इधर से भी कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो इसको 115 मान लेता है, यहाँ पे कैलकुलेशन में 115 कर लेता है। अगर 115 करेंगे तो अपने कैलकुलेशन में 3 से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है या 9 से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, क्या 9 से हो जा रहा है कैलकुलेशन, यहाँ 10 बचेगा, 9 9 5 45 15 बचेगा, सो 15/100 मतलब 0.15 टाइप्स कुछ आंसर आ रहा है। सो
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.15। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन चेक करके देख लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ऑल दो मेन्स का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट स्टिल कैल्शियम कार्बोनेट का 20 ग्राम दिया, 20 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हो जाएंगे, सो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 के बराबर होता है। हम इतने बार लाइफ में क्वेश्चन सॉल्व किए कि हमको याद है वैल्यू। अभी 11th वाले में एक ही कैल्शियम कार्बोनेट पे 10 10 क्वेश्चन करा रखे थे, जितने भी मोल कंसेप्ट का सवाल था सब इसी टॉपिक पे करा रखे थे, तो इसलिए हमको वैल्यू याद है। सो 20 ग्राम का मतलब 0.2 मोल्स हो गए। अगर हम लोग नॉर्मल मोल कंसेप्ट की बात करें तो 0.2 मोल जब खत्म होगा तो 0.2 का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में 0.15 ही प्रेजेंट है, इसका मतलब 0.2 की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उससे कम में काम चल जाएगा। सो अपने कैलकुलेशन में 0.2 में से 0.15 खत्म होना चाहिए, तब CO2 का 0.145 मोल्स बचेगा। सवाल बोला है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेंड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो 0.2 में से 0.15 खत्म हो गया, मतलब 0.05 बच गया। 0.05 को हम लोग सीधा अगर 5 ले लें तो 0.2 को हम लोग को 20 लेना पड़ेगा। परसेंटेज वाइज हम लोग का वैल्यू 25% टाइप्स दिख रहा है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी है तो भी आंसर 25 ही होना चाहिए। इसका आंसर एक बार देखो, नन दे रखा है क्या, तो बड़ा घटिया सवाल हो जाएगा। तो इतना मेहनत से कैलकुलेशन करके सेकंड दे रखा है, इतना मेहनत से अगर 64% सर वहां पे 15 नहीं होगा ना, हम एक बार देख लेते, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम कुछ ना कुछ एरर तो किए होंगे डेफिनेटली। 1.16 इनटू 10 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 1073, तो 1073 को हम लोगों ने 1080 माना था, 12.88 कितना, 12.88 12.88 कैलकुलेटर से किया है क्या, कैलकुलेटर यूज मत कर यार, मतलब हम कर सकते हैं बट तुम मत यूज करो। 9 हो गया, 1.16 को 1.15 मान रहे हैं अगर, तो कैसे नहीं आ रहा, लाइक 0.1 अगर लेके चलेंगे 0.15 ही टाइप्स तो आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स 12.88 कहाँ से आ सकता है, 12.88 तो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम 0.2 बन सकता है, इसमें अगर हम कैलकुलेशन में कहीं कुछ एरर कर रहे तो देख सकते हैं, मेरे हिसाब से तुम कैलकुलेशन में कुछ एरर नहीं कर रहे। फिर से देख लो भाई, बाकी लोग भी देख लो एक बार कैलकुलेशन, 0.12 आ रहा, 0.15 बता रहे हैं ना, चलो मान लेते 0.12 स्टिल हम मान लेते, चलो ये नंबर ऑफ मोल 0.12 आ रहा। सो 0.2 में से हम लोगों का जो CO2 का फॉर्मेशन है दैट इज 0.12, इसका मतलब 0.12 खत्म हुआ होगा तो 0.08 बचेगा। ये 64% हो सकता है क्या, 0.2 का 50% से छोटा वैल्यू बचा हुआ है, तो आंसर तो जो भी अपना आंसर होगा 50 से छोटा ही होना चाहिए, 64% तो कहीं से भी आंसर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड सेकंड ऑप्शन आंसर, एक बार आंसर फिर से चेक कर लो, सेकंड ऑप्शन है कि नहीं है, मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। 8 बच रहा है, मतलब 40% ग्राउंड आंसर आ रहा है, 40% अब दोनों ही वैल्यू है, कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, चलो ठीक है थोड़ा मेहनत कर लेते यार, इसमें करना ही पड़ेगा। एक तो कैलकुलेशन में ये 1.16 जो आर का वैल्यू है, इसमें हम लोग क्या लेके चल रहे थे, टेम्परेचर 800 दे रखा था, 800 का मतलब 273,073, चलो ठीक है। पी वी इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम 10 लीटर दे रखा, और आर का वैल्यू 0.0821 लेके चलते हैं, अच्छा सॉरी 0.0821 से सीधा ही कैंसिल आउट, नहीं इधर से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 8 × 16 होना चाहिए, पता नहीं क्या दिया कैलकुलेशन, घटिया सा कैलकुलेशन दे रखा यार। सो क्या करें इसमें, 11.6 डिवाइडेड बाय 0.0821, पहले तो डेसिमल हटा लेते हैं, 8.21 होगा, 8.21 इंटू 1073 इंटू ऊपर चला जाएगा हम लोग का 100 का फैक्टर, अब क्या करें एक और डेसिमल हटा लेते हैं, 116 या 10 रहने देते हैं। अब कैलकुलेशन में कुछ वेरिएशन, 821 नहीं दिख रहा, 7 अगर 116 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 142 मतलब 112 होना चाहिए,
यहाँ कुछ दे रहा दिख रहा है कैलकुलेशन, अगर हम लोग 116 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 वन, और दूसरे वाले केस में सात, कई सात और एक आठ, 812 टाइप्स कुछ दिख रहा है, 821 से इधर 812 है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन में हम लोग नीचे ये दोनों डेसिमल को और अगर हटा लें, ऊपर 100 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी भी कैलकुलेशन आसान नहीं हुआ। 1000 डिवाइडेड बाई 7 × 1073। अब इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है, पहला चीज 812, और यहाँ 100 हम लोगों का 821 था, तो हम लोगों ने पहले ही 812 को 21 मान रखा है, पहले ही वैल्यू बढ़ा रखा है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसको कम करके कंसिडर किया है। 1073 को 1000 मान लेते हैं, अगर ये 1000 होगा, 73 का फैक्टर अगर कम करेंगे तो दूसरी जगह पे वैल्यू हम लोग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो 7.2 ले लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। ये 1000 कैंसिल आउट हुआ, बचा वैल्यू 10 बाई 7.2, ये तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, ये तो और पॉसिबल नहीं है। क्या कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं यार? सर, हाँ सो जो CaCO3 का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, उसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में? उसका यूज है ना, क्वेश्चन में पूछा है कितना बच जाएगा परसेंटेज, तो शुरू में 0.2 मोल्स है, बाद में 0.8 बच जाएगा, तो परसेंटेज निकालो, बस इतना ही यूज है यार। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, 0.0821 × 1073, ये कैलकुलेशन करके बता दो यार, कोई भी इंसान ढंग से कैलकुलेशन करके बता दो कितना आ रहा है आंसर, हम इसमें अब दिमाग ही लगा पा रहे हैं। 1.16 × 10, पहले तो ये डेसिमल हटा लेते हैं, 8.21 हो गया, और भी डेसिमल हटा लेते हैं, सो 1000, सॉरी ऊपर, अच्छा सॉरी 1000 कर दिया था। 1 बाई 7.2 कितना आएगा? 1 बाई 7.2, इसको हम लोग 0 पॉइंट अगर लेते हैं तो 10 बाई 7.2, मतलब 0.1 लेके चलेंगे, सो बचेगा कितना, 2.8, सेवन जीरो पॉइंट पॉइंट सेवन वन थ्री 0.13 आ रहा। चलो ठीक है, मान लेते 0.13 है, तो परसेंटेज जो बच जाएगा, या इतना तो खत्म हो रहा है, इसका मतलब जो बचेगा वो 0.7 होना चाहिए, 0.7 / 0.2 मोल्स × 100, ये हम लोगों का कैलकुलेशन, 0.07 / 0.2 × 100, ये हम लोगों का कैलकुलेशन होना चाहिए, 7/2, 35% आना चाहिए आंसर, 35 या 36% कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए। ऑल दो ये न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा गंदा टाइप का है, अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो खैर हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, बट इसका ऑप्शन 1 आंसर होना चाहिए। 64 पॉसिबल आंसर नहीं है जो हमको दिख रहा, कोई सेंस नहीं बनता 64 का, थोड़ा ध्यान रखना। चलो ठीक है, आंसर में करेक्शन कर लेंगे इसमें, ऑल दो चलो एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते, थोड़ा कैलकुलेशन अननेसेसरी लंबा हो गया, अब एक बार एक्सप्लेन कर देते क्वेश्चन। सवाल में ये बोला है कि हम लोगों का जो केपी है दैट इज इक्वल टू 1.16, और केपी के एक्सप्रेशन में भी जस्ट बताया था केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो कि 1.16 के बराबर है। सो प्रेशर ऑफ CO2 पता है, वॉल्यूम 10 लीटर पता है, टेम्परेचर पता है, तो यहाँ से हम लोग CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब ये है कि इक्विलिब्रियम पे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स अगर 0.13 निकल के आ गया, इसका सिंपल सा मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम, 20 ग्राम का मतलब 0.2 मोल्स, इसमें से 0.13 खत्म हुआ होगा, मतलब 0.07 बच गया होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा। पूछा है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेन्ड एट इक्विलिब्रियम, परसेंटेज के टर्म में बोला है, तो अमाउंट बचा है 0.07, और इनिशियली लेके चले थे हम लोग 0.2, सो 0.07 डिवाइड बाय 0.2 × 100, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन 1 आंसर आना चाहिए। अगर इसका आंसर सेकंड है तो बिल्कुल ही गलत है, छोड़ सकते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 ओबेइंग द इक्विलिब्रियम इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बाई, इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, और आपको क्यों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वेपर डेंसिटी से रिलेशन नहीं याद रखना है वो भी हम लोग सीख लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो एक मिनट लिख लेते, पहले एक तो दिया N2O4 से 2NO2 बन रहा है, चलो ठीक है,
N2O4 से 2NO2 का फॉर्मेशन हो रहा, दूसरा प्रेशर इक्विलिब्रियम का कुछ दिया नहीं, पी के बराबर मान के चलना होगा, चलो ठीक है। तो यहाँ से ऐसा बोलते हैं पी इक्वल टू जीरो पे एक मोल था, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग चले, अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ तो प्रोडक्ट में 2 अल्फा बनेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रिएक्टेंट का कोफिशियंट कुछ भी है हमेशा अल्फा ही डिसोसिएशन में रखेंगे हम लोग, तो 1 माइनस अल्फा प्रोडक्ट में 2 अल्फा का फॉर्मेशन हुआ। अगर Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 पर पावर 2 मतलब 2 अल्फा पर पावर 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 पर पावर 1, सो 1 माइनस अल्फा पर पावर 1 इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल। पी टोटल पी के बराबर इक्विलिब्रियम का और एन टोटल में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा लेके चलेंगे, सॉरी प्लस 2 अल्फा, तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा आएगा। और जो डेल्टा एन का वैल्यू है 2 माइनस 1 मतलब 1 लेके चल सकते हैं दोनों गैसेस कंपोनेंट का। सो अपने एक्सप्रेशन में हम लोगों का अच्छा पूछा गया है, पहले ये भी देख लेते एक बार, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बाई इक्विलिब्रियम के प्रेशर का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग के अपने एक्सप्रेशन में 2 अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, तो इसको हम लोग 2 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर सकते हैं इंटू पी, ये वैल्यू कुछ आएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाएँ तो नॉर्मली ये होता है कि अल्फा को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, बट यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही छोटा है, तो हम लोग अपने एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा कर लें, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर और इंटू पी अपॉन के पी लिख सकते हैं, बाकी क्या करें भाई इसमें। सो और क्या एक्सप्रेशन में डाला जा सकता है, इस अल्फा स्क्वायर को राइट साइड में लेकर के आ सकते हैं। सो यहाँ 1 इज इक्वल टू और अल्फा स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर, तो अपने एक्सप्रेशन में 2p अपॉन kp प्लस 1 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से kp वाले पार्ट के एक्सप्रेशन को दूसरे साइड अगर लेके जाने की कोशिश भी करें, प्रेशर वाला वैल्यू नीचे के साइड आएगा, तो अपने एक्सप्रेशन में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू kp डिवाइडेड बाई 2p प्लस kp ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए, जहाँ से अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर kp अपॉन 2p प्लस p, सॉरी 2p प्लस kp ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आएगा। थोड़ा अजीब टाइप का वैल्यू है मेरे हिसाब से, तो कोई सेंस नहीं बनाता, अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड बोला, चलो ठीक है। सो अगर अप्रोक्सीमेटली बोला है तो हम लोग घटिया सवाल हो जाएगा, अगर अप्रोक्सीमेटली बोला तो इसको हम लोग को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ को हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। अगर इसको हटाएंगे तो फिर यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू kp अपॉन पी आएगा, और यहाँ से अगर अल्फा निकालेंगे तो kp अपॉन पी सॉरी 2 का अंडर रूट, सो अल्फा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर पी निकल के आना चाहिए अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर बात करें तब। अगर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बात नहीं करेंगे तो कुछ प्लस माइनस टाइप का फैक्टर आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन सेकेंड आंसर कंसिडर कर सकते हैं। खैर मतलब ये सवाल डिसेंट लेवल का सवाल है, इसको ख़राब तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन बेटर होता है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल के सेगमेंट की चीज़ें दे रखी हो सकती थी। एक और चीज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ये आज का लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं। एक होता है वेपर डेंसिटी का रिलेशन, उसको हमेशा इस सेंस में याद रखना, मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कशन किया है वेपर डेंसिटी से। ए वाले पार्ट का डिस्कशन अगर हम लोग करते हैं और मान लेते हैं कि ए वाला पार्ट डिसोसिएट करके या ए टू वाला पार्ट डिसोसिएट करके 2A में कन्वर्ट हो रहा, ऐसा मान लेते हैं, इनिशियली वेपर डेंसिटी डी है, फाइनली वेपर डेंसिटी स्मॉल डी है। इनिशियली मोलर मास वाला पार्ट हम लोग स्मॉल एम ले लेते हैं, फाइनल वाले पार्ट को हम लोग कैपिटल एम ले लेते हैं, ऐसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर टी इक्वल टू जीरो पे एक मोल लेके चलो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से अल्फा पार्ट अगर खत्म होगा बचेगा 1 माइनस अल्फा और प्रोडक्ट में 2 अल्फा, ये एक्सप्रेशन आपको लिखने आना चाहिए। मैंने बहुत लास्ट ईयर भी बोला था 11th क्लास में, ये एक्सप्रेशन तो रटा होना चाहिए, कुछ भी कोफिशियंट हो रिएक्टेंट का आपको यहाँ से अल्फा ही पार्ट डिसोसिएट करना है। जिंदगी का एक बड़ा सिंपल सा रूल है, टोटल मास हमेशा कंजर्व होता है। टोटल मास कंजर्व होने का मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे हम लोग अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, सो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। और क्योंकि टोटल मास किसी भी रिएक्शन में हमेशा कंजर्व होता है, मतलब इनिशियली जितने मोल्स थे और इनिशियली जितना मोलर मास था, दिस मस्ट बी इक्वल टू
फाइनली जितने मोल से और फाइनली जितना मोलर मास होगा, इस पार्ट को ही हम लोग को यूज करना चाहिए। वेपर डेंसिटी का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहिए। सो इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, एक के बराबर, और इसका मोलर मास कितना था, तो जो भी कंपाउंड का मोलर मास उसको ले लेता है एम। फाइनली कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो आराम से कैलकुलेशन में 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा कर लिया। सो यहाँ से बच जाएगा वैल्यू 1 प्लस अल्फा के बराबर का, और मोलर मास कितना है फाइनली, तो इसको हम लोग एम एफ कर लेते हैं। एक ये रिलेशन आ गया। दूसरा एक रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं कि हम लोगों का जो मोलर मास है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। तो दूसरा एक ये भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो। तो अपने कैलकुलेशन में वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी फाइनल, और 1 प्लस अल्फा निकल के आ गया। सो 1 प्लस अल्फा इंटू वेपर डेंसिटी फाइनल। अब ये आपके मर्जी के ऊपर है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो जैसे यहाँ पे 2a के जगह ऐसा दे रखा था a3, और यहाँ पे 3a बनता, तो 2 अल्फा के जगह पे 3 अल्फा बनता। अगर 3 अल्फा बनता तो नीचे भी हम लोग यहाँ पे 3 अल्फा लेते तो 1 प्लस 2 अल्फा होता। सो अपना जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डी निकल के आ जाता। तो इसी को अल्फा के फॉर्म में रिलेट कर दिया जाता है कि यहाँ से अगर आप अल्फा का फॉर्मूला निकालेंगे तो एक फॉर्मूला बना दिया जाता है। मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है, भूल के वो फॉर्मूला याद नहीं करो, मतलब आपके लिए अननेसेसरी एक फॉर्मूला है जिसमें n का वैल्यू में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उससे ज़्यादा सीधा तरीका ये है, उससे सिंपल सा तरीका ये है, इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा ईजी है, बस आपको एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। सो एनीवे, उस फॉर्मूले में और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिएक्टेंट में कोफिशिएंट दे रखा, सो रिएक्टेंट कोफिशिएंट को 1 बना के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसलिए भूल के भी वो तरीका यूज मत करना। वेपर डेंसिटी विथ अल्फा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोल के काम कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक का डिस्कशन आज क्लोज कर लिया है। मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि 1 से लेके मतलब कुछ क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे सो कर लेंगे हम, बाकी हम कल क्वेश्चन सॉल्विंग में बचे हुए 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा है, 26 से लेके, या इसमें एक बार हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस में, भारी आसान क्वेश्चन टाइप कुछ है क्या। 26 के बाद तो ये ली चैटरलेस प्रिंसिपल है, चलो ये तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना चाहिए आप लोगों को। ली चैटरलेस प्रिंसिपल एक ऐसा है कि थियोरेटिकल सवाल बन ही जाएगा, ठीक है। सो ऐसा करो, आप लोग ट्राई करके देखो, 26 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है सबको ट्राई करके देखो। अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हम अलग से हमको भेज देना, उसका सॉल्यूशन बना करके भेज देंगे, मेरे सामने से ही पूछ लेना। और लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं जो सामने से पूछो जो ज़्यादा बेटर होगा, न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपके लिए आसान हो जाएगा, उसमें आपको हिंट मिलना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्विंग होना चाहिए। कल हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन फर्दर कर लेंगे, मतलब सॉरी 6 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जिनको ली चैटरलेस प्रिंसिपल नहीं आता है वो बता देना, अगर उसके कोई लेक्चर बनाना होगा या पहले से कोई लेक्चर पढ़ा होगा तो हम आपको शेयर कर देंगे। ली चैटरलेस प्रिंसिपल मिस नहीं कर सकते, वो लाइक ऐसा टॉपिक जो आपको प्रॉपरली मालूम होना चाहिए, उसको ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन जिससे आराम से आता है। किसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछना तो फिर 10:30 बजे आज। कुछ पूछना है किसी को? याद नहीं है क्या हम बनाए, तो क्वेश्चन भेज दो हमको, क्योंकि हम तो बस ऐसे मन में जो आता है हम रिएजेंट लिखते चले जाते हैं, उसमें कुछ कुछ एरर भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं ये बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन AgOH के साथ हुआ क्या, तो AgOH में OH माइनस है, तो आराम से एसिड बेस रिएक्शन होगा, H प्लस ही हटेगा यहाँ से, तो प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का सिलबस। ये आज के क्वेश्चन में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको अभी इसका सॉल्यूशन हम अपलोड कर दिए हैं, वो तुम लोगों को दिखा नहीं होगा, अपलोड हम जस्ट 8:45 के अराउंड किए थे, तो अपलोड हो तो गया था लेकिन आप लोग का लेक्चर शुरू हो गया था, अब नहीं देख पाएंगे, ये देखना उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्या बोल रहा था? और सर सीक्वेंशियल रिएक्शन 4 में V प्लस W वाला प्रोडक्ट नहीं समझ आया किसे बना। मैं V प्लस W वाला प्रोडक्ट कहाँ है, V प्लस W ये? हाँ ये तो अगर हम लोग, हमको जहां तक याद है कि हेमी एसिटल बन रहा था, कोई कंपाउंड, अच्छा नीचे तो दे रखा होगा, चलो ठीक है।
सो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा था, ये दे रखा है, ये हम लोग हेमी एसिटल है, ये कंपाउंड है ना, ये दे रखा है। चलो देख लेते हैं। तो CH3, इसके ऊपर OH है, इसके ऊपर O C2H5 है, और इसके ऊपर एक और C2H5। क्या C2H5 था, C3H7 था, क्या था? CH3 ही था। इसका हाइड्रोलिसिस करने बोला है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर निकाल, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर निकाल के देखो टॉपिक। जब हम लोग इथर का रिएक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें दो रिएक्शन था, एक एच आई के साथ रिएक्शन था और एक वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन था। हाइड्रोलिसिस का बेसिक केस है, ऑक्सीजन पे एच अटैच करो, बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन पे ओएच अटैच करो, एक कार्बन पे दो एच ग्रुप अनस्टेबल है, यहाँ से H2 हटा करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लो, प्रोडक्ट में सीटोन बन जाएगा, और दूसरे वाले साइड से C2H5OH बन जाएगा। नोट्स को उठा के देखो, ईथर के केस में इसका प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ लिख करके आपको प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है। मतलब मैकेनिज्म नहीं सीखना है, वो ज्यादा मालूम होना चाहिए, बट मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन के बिना भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। हाइड्रोलिसिस का जो बेसिक केस है, समझ आया थोड़ा बहुत? हाँ सर देख लें। हाँ ठीक है, और कोई डाउट? जिसको जहां भी डाउट हुआ करेगा, लाइक सिक्वेंशियल रिएक्शन में अगर कहीं किसी रिएजेंट में